students, welcome again on the online classes of BA part-3rd English Literature, started by our own college, Srimati Ramkumari PG Mahila Mahavidyalaya. Students, apni poem chal rahi thi, A Prayer for My Daughter, written by IIIrd. ठीक है, इसको आगे पढ़ते हैं. कल हमने पढ़ा था कि फोर एंड ओल्ड बेलोस, ओल्ड बेलोस बोला था जॉन मैकब्राइड के लिए, फुल ऑफ एंग्री विंड, कि वो बहुत गुस्से वाला था. ठीक है ना, कंसीडरिंग सोचता था दैट ऑल हेटेड ड्राइवर हिज. डब्ल्यूबीज कह रहा है कि मैंने सोचा कि सारा गुस्सा अब मार्टोन का समाप्त हो गया होगा, लेकिन कह रहा है ऐसा नहीं है, क्योंकि कह रहा है मेरा सोचना गलत है. मार्टोन अभी भी वैसी की वैसी क्या है, नेचर में है, व्यवहार में है, यानी बहुत गुस्से वाली है. आगे कह रहा है द सोल रिकवर्स रेडिकल इनोसेंस. द सोल यानी आत्मा, रिकवर्स यानी ठीक होना, रेडिकल इनोसेंस. रेडिकल इनोसेंस का मतलब होता है विनम्र तथा निष्कपटता. कह रहा है कि हमारी जो आत्मा है वो विनम्र होनी चाहिए तथा निष्कपटता के भाव से हित होनी चाहिए, यानी उसके अंदर निष्कपटता का भाव नहीं होना चाहिए. एंड लर्न्स एट लास्ट दैट इट इज सेल्फ डिलाइटिंग. सेल्फ डिलाइटिंग, ठीक है, सेल्फ डिलाइटिंग. सेल्फ डिलाइटिंग का मतलब होता है प्रसन्न होना. क्या होता है, प्रसन्न होना. ठीक है, सेल्फ डिलाइटिंग. एंड लर्न्स एट लास्ट, और कह रहा है आखिर में हमें ये अनुभव होना चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए कि दैट इज सेल्फ डिलाइटिंग, कि व्यक्ति कैसे प्रसन्न रह सकता है. वो कह रहा है हमारे अंदर कोई भी ऐसा क्या है, निष्कपट है ना, कि हम किसी से कपटता करें, बुरा व्यवहार करें, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए. हम लोगों को, हम मनुष्य को पता होना चाहिए कि प्रसन्न रहने के लिए हमें इन चीजों से दूर रहना ही जरूरी है. आगे कह रहे हैं सेल्फ एपीजिंग. सेल्फ एपीजिंग, सेल्फ एपीजिंग का मतलब होता है शांत रहना. क्या होता है, शांत रहना. सेल्फ एफ्राइटिंग, सेल्फ एफ्राइटिंग का मतलब होता है आत्मा को आनंद व संतोष मिलना. सेल्फ एफ्राइटिंग का मतलब क्या होता है, आत्मा को आनंद व संतोष मिलना. कह रहा है अगर हम प्रसन्न रहते हैं और शांत रहते हैं तभी आत्मा को आनंद व संतोष मिलता है. अगर हम अप्रसन्न रहेंगे, है ना, प्रसन्न नहीं रहेंगे और शांत नहीं रहेंगे, तो हमारी आत्मा को ना तो आनंद और ना ही संतोष मिलता, यानी हम हमेशा क्या है, गुस्से से भरे रहेंगे. इसलिए बहुत जरूरी है, WBS बता रहा है कि बहुत जरूरी है जीवन में प्रसन्न रहना और शांत रहना. ठीक है, यानी प्रसन्न रहके और शांत रहके ही हम हमारा सुखमय जीवन व्यतीत कर सकते हैं, अन्यथा नहीं. ठीक है, तो वो कह रहे हैं इस बात पे बहुत उसने जोर दिया है. देखो सेल्फ एपीसिंग, सेल्फ एपीसिंग का मतलब होता है शांत रहना, और सेल्फ डिलाइटिंग यानी प्रसन्न रहना. अगर हम प्रसन्न रहते हैं और शांत रहते हैं तभी हमारी आत्मा को आनंद व संतोष मिलता है. ठीक है, आगे कह रहा है एंड देन इट्स ओन स्वीट विल इज हेवन स्वीट. एंड दैट इट्स ओन स्वीट विल इज हेवन मींस, यानी उनकी जो खुद की इच्छा है वो ईश्वरीय इच्छा के समान है. ठीक है ना, खुद की इच्छा ही ईश्वरीय इच्छा के समान है. अगर व्यक्ति शांत में प्रसन्न रहता है तो ये वो भगवान को प्रसन्न कर सकता है. ठीक है ना, और यही भगवान की इच्छा है.
कि प्रत्येक व्यक्ति प्रसन्न व शांत रहे एंड दैट इट्स ऑल स्वीट विल इज हेवन्स विल. ठीक है, यही हेवन की विल है. विल का मतलब क्या होता है? इच्छा. विल का मतलब होता है इच्छा. डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन यानी इच्छा, दृढ़ निश्चय जिसे हम बोलते हैं. अब कह रहे हैं शी कैन दो एवरी फेस शुड स्क्रोल. स्क्रोल का मतलब होता है क्रोध से देखना. स्क्रोल यानी क्रोध से देखना. ठीक है, क्रोध से देखना. अब कह रहे हैं कि अगर हम शांत व प्रसन्न नहीं रहते हैं तो भगवान भी हमें क्रोध से देखते हैं. देखो ये उसके अंदर फीलिंग्स आ रही है IIIrd के अंदर कि अगर व्यक्ति शांत व प्रसन्न नहीं रहता है तो ऐसा लगता है मानो भगवान भी हमें क्रोध से देख रहा हो. लेकिन अगर व्यक्ति शांत व प्रसन्न रहता है तो यही इच्छा भगवान की होती है ना. वो कह रहे हैं प्रत्येक व्यक्ति भगवान चाहता है कि